इस ओबीसी का सबसे पहले ग्रुप इस कांग्रेस पार्टी ने और जो उनका नेता उठा रहा है उनके तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सबसे पहले ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया। और ओबीसी को आयोग को संवैधानिक दर्जा दशकों गुजर गए मानते मानते कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। ओबीसी को अगर आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार। तो ये तो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और खाने के। ये सिर्फ इस देश में जाति के नाम पर इन्होंने बहुत रोटियां सेक ली। अब देश के लोग समझ गए हैं देश अब एक है और एक रहेगा। अब इन अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये देश को जातियों में बांट कर जातियों को लड़ाकर इस देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और देश के आर्थिक हालात को खराब करना चाहते। बीजेपी नहीं चाहती जातिगत जनगणना हो? नहीं नहीं, जातिगत जनगणना का मतलब क्या है? लेकिन ये जातिगत जनगणना को ये इन समाजों को 2800 जगह बांटना चाहते हैं। इस देश में 2800 जातियां हैं। ये 2800 जातियों में बांटकर इस देश को पीछे धकेलना चाहते हैं। इनका मकसद किसी को कुछ दिलाना नहीं है, सिर्फ इसको इस देश को जातियों में बांटना है, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना है, जातियों में बांटकर उनको आपस में लड़ाना है। इनका और कोई मकसद नहीं है क्योंकि ये हताश हो गए हैं। देश के लोगों ने वोट की तीसरी बार इनको ऐसी गहरी चोट पहुंचाई है कि बौखलाए हुए हैं। बौखलाकर अब इनको मोदी लोग नहीं, अब ये देश लोग को कराए। हुड्डा साहब कहते हैं कि जो 8 लाख का जो क्राइटेरिया था वो आपने ही 6 लाख किया और अब दोबारा उसको 8 लाख किया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। देखिए ऐसा है, ठीक है 6 लाख बहुत है लेकिन 8 लाख हमने कर दिया। हमने तो ऐसी बहुत नई बातें की। हमने इन 10 सालों में उनकी तरह किसान की जमीनों को दिया हड़पा, सेक्शन 4, 6, 9 लगाकर किसानों की फसल का ना अगली प्रेस में आएंगे। इन्होंने 1000 करोड़ रुपए दिए, हिसाब तो हम देंगे ना। इन्होंने 10 सालों में किसान की खराबी का 1000 करोड़ रुपया दिया, हमारी सरकार ने 12000 करोड़ रुपये दिए। लेकिन हम इनको हिसाब नहीं देंगे, हम हरियाणा के 2.5 करोड़ मतदाताओं को हिसाब देंगे और उनको ही देंगे। ये कोई हिसाब पूछने वाले नहीं है, प्रदेश की जनता को हिसाब देंगे। गुजरात का बजट स्पोर्ट्स का 500 करोड़ या 600 करोड़ और हरियाणा का 60 करोड़ और मेडल हरियाणा में 5, ये भेदभाव क्यों? ऐसा नहीं, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। विपक्ष तो झूठ का खजाना है, झूठ बोलना उनकी फितरत में है। अब आप बताइए इस देश का 2014 से 2013 में जो कृषि बजट है वो 21000 करोड़ रुपए था, आज 1,52,000 करोड़ रुपए हो गया। कौन है किसानों का हितेशी? हेल्थ का बजट इनका 35000 करोड़ रुपए था, आज 1,67,000 करोड़ रुपए हो गया। और मोदी जी ने देश की जनता को हिसाब दिया है अपने 10 साल का, हम भी हरियाणा के लोगों को हिसाब देंगे। एक और आरोप है मंत्री जी, 7% जीएसटी कलेक्शन हरियाणा से लेकिन रिटर्न उनको 1% हरियाणा में केवल, ये भी भेदभाव है। ये मेरा झूठ का खजाना है। ये हरियाणा को इनके राज में अब मैं वो आएंगे सारे आज ही बोल दूंगा, ठीक नहीं है ना, आपके पास स्पेस है उतना। लेकिन हम प्रदेश के लोगों का हिसाब देंगे, हर डिपार्टमेंट का हिसाब देंगे, हर चीज का हिसाब देंगे। फरीदाबाद को इन्होंने कितना पैसा खर्च किया था, हम 10 साल में फरीदाबाद में मोदी और मनोहर जी ने कितना पैसा दिया, हिसाब दे देंगे। बैठ जाए हमारे पास, बैठ जाए, इनको क्या देंगे? फरीदाबाद के लोगों को हमने हिसाब दिया, उन्होंने रिजल्ट दे दिया, उससे ज्यादा फैसला कौन देगा? हमने हिसाब दिया, पूरे लोकसभा के चुनाव में हिसाब दिया, उस हिसाब का
हिसाब किताब कर दिया लोगों ने, स्टेट में भी ऐसे रिजल्ट उम्मीद है 100% पांच की सीट, तीसरी बार दस में से पांच सीट आ गए, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मेरी बात याद रखना। मेरी बात झूठी नहीं होती, मैंने कहा था ना, आपने हर बार कहा था कि जीत हमारी ही होगी, पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहा था और अब कह रहा हूँ हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और फरीदाबाद में कांग्रेस का सुपड़ा साथ होगा। विपक्षी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आखिरी सवाल, अभी गिरीश प्रोकाट जी को लेकर मुख्यमंत्री जी ने 4 करोड़ की घोषणा की है, क्या ये उनकी काबिलियत को लेकर की है या कोई राजनीतिक मुद्दा है? देखिए, खेल को कभी राजनीति का बदला नहीं बनाया। मुझे हुड्डा साहब ये बता दें कि पहले भी ओलंपिक हरियाणा में जीत के आते रहे, उन्होंने कितने लोगों को राज्यसभा में पहुंचाया बताए ना, आज वो राज्यसभा में पहुंचाने के काबिल नहीं है। जब उनको मौका था तब उन्होंने राज्यसभा में खिलाड़ियों को नहीं पहुंचाया, आज उनके पास मौका नहीं है तो आज उनको याद आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।